Subscribe and press the bell icon for latest update. मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज़। आज जिस मुद्दे पर, खास मुद्दे पर बात करूंगा, वो मुद्दा बना है बजट सत्र। यूं कि कहें कि अगर बजट में अरुण जेटली ने आज बजट पेश किया, बजट में जनता ने बड़े रुक्षत से, यूं कहें कि मतलब बड़े अंदाज से, या फिर यूं कहें कि बड़े ही बेसब्री से जनता इंतजार कर रही थी कि बजट में आखिर आम आदमी के लिए क्या होगा और उस बजट को बनाने के लिए कितने महीने लगे होंगे, कितने लोगों की संख्या, या कहें कि किसने ऐसा बजट तैयार किया। अरुण जेटली के नेतृत्व में एक ऐसी टीम काम करती है जो इस बजट को तैयार करती है, और ये बजट अगर जनता के बीच जाता है तो उसमें बहुत एक मेहनत होती है, एक बहुत डेडिकेशन होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि इस बजट को बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत होती है और कौन कौन से लोग काम करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर बजट की मैं बात करूं तो बजट में जनता को कुछ ऐसा खास नहीं मिला है जो बजट में होना चाहिए। और ये इतिहास रहा है कि जो भी सरकार आती है उसमें अगर जब बजट पेश किया जाता है, बजट में जनता के लिए ऐसा सुकून भरा कोई भी समाचार या न्यूज नहीं होती है जो जनता को ये संतोष दिला सके कि वास्तव में अब की सरकार में जो बजट पेश हुआ है वो जनता को सुकून देगा, जनता के जो बजट पर है वो एक बहुत बड़ा रहम होगा, या कहें कि बजट पर जो जेब होती है जनता की उस पर बहुत बड़ा जो है वो रहम किया है सरकार ने। लेकिन इतिहास यही रहा है कि बजट में जनता के लिए कुछ नहीं होता है, महंगी होती है चीज़, उसमें बताया जाता है कि सस्ती और महंगी चीज़ों के बीच कंपेयर किया जाता है इस तरीके से कि जो चीज़ों पर बजट या टैक्स को लगा कर के अगर जो आम, जो जनता सिर्फ यही चाहती है कि जो आम चीज़ें हैं, जो जनता रेगुलर यूज करती है, जो जनता के चीज़ों में दैनिक चीज़ों के उपयोग की चीज़ें होती हैं, अगर सरकार वही सस्ती नहीं कर पाती है तो आखिर बजट किस बात का पेश हो? ये बजट सिर्फ उन अमीर लोगों का होता है जिनके पास जेब में अधिक से ज़्यादा पैसा है और वो आराम से कहीं भी किसी भी चीज़ को बिना हिचक के खरीद सकते हैं। लेकिन आम जनता उन चीज़ों को कैसे खरीदेगी जब तक उसमें जो, क्योंकि महंगाई जो जमाना जिस तरीके से दौर बढ़ता जा रहा है और महंगाई जिस तरीके से हावी होती जा रही है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार है चीज़ों पर बजट पेश करती है आम जनता के लिए, एक खुशखबरी के लिए एक बजट तो आता है लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो जनता को संतोष दे सके, जो जनता कह सके कि हाँ वास्तव में सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। आम बजट कौन जानता है, गाँव में जो किसान हैं, जो लोग हैं, वो बजट नाम का कोई चीज़ ही नहीं जानते हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का काम है जो बजट को का जो निष्कर्ष है, जो उस पर सफाई होती है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी दे दी। लेकिन ये बजट आपको, अगर इस बजट के पीछे जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं लोग उनकी अगर मैं जानकारी दे दूं तो कुछ 5-6 लोग होते हैं जो अरुण जेटली के नेतृत्व में काम करते हैं और वो लोग होते हैं बजट बनाने वाले चाणक्य के। एक है हंसमुख अधिया, वित्त सचिव और सचिव राजस्व विभाग के हैं, और दूसरे हैं सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव आर्थिक मामलों के विभाग के जानकार हैं। तीसरे हैं अरविंद सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। राजीव कुमार सचिव वित्त सेवा विभाग के हैं और नीरज कुमार गुप्ता सचिव निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग के जानकार हैं। अजय नारायण झा सचिव व्यय विभाग के अच्छे खासे जानकार है। इन तीनों के नेतृत्व में ये बजट बना है। आइए दिखाते हैं हम खास रिपोर्ट।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के न्यू इंडिया का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहिणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50% ज्यादा देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हर एक गरीब के पास अपना घर होगा। उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन में भी राहत देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री जेटली किसानों के लिए कर्ज की राशि 11 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। देश का हर एक गरीब 5 लाख तक कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। इसके देश के 40% लोगों को फायदा होगा। जेटली ने कहा कि 10 करोड़ परिवार को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि नोटबंदी से काले पैसे पर लगाम लगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि हमने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है। नोटबंदी से काले पैसे पर लगाम लगी। अरुण जेटली ने कहा कि देश में 7.5% विकास दर रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। अभी हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी के सपनों को पंख देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम इस साल खेती को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी दखल को कम से कम करने की कोशिश करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के 80,000 करोड़ के शेयर बेच देगी। वित्त मंत्री जेटली ने सांसदों के वेतनों को भी बढ़ाने जाने की बात कही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन में सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। जेटली के साथ इस बजट को तैयार करने में आर्थिक क्षेत्र के महारथियों ने साथ दिया है। देश का बजट तैयार करने वाले ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के चाणक्य कहलाए जाते हैं। आइए जानते हैं इन चाणक्यों के बारे में। हसमुख अधिया वित्त सचिव और सचिव राजस्व विभाग। हसमुख अधिया वित्त सचिव हैं। 1981 के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। बजट टीम में अधिया सबसे अनुभवी अधिकारी हैं। वे साल टीम की अगुवाई कर रहे हैं। सुभाष चंद गर्ग सचिव आर्थिक मामलों के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव सुभाष गर्ग विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। रोजगार और निवेश के मोर्चे पर इनको महारत हासिल है। अरविंद सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार। देश के अहम आर्थिक पहलुओं पर अपनी राय व सुझाव देने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी बजट टीम में है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सुझाव भी इन्होंने ही दिया था। राजीव कुमार सचिव वित्त सेवा विभाग। राजीव कुमार का फोकस बैंकिंग सेक्टर के लिए बेहतर विकल्प पेश करने और इसकी हालत सुधारने पर होगा। राजीव 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं। नीरज कुमार गुप्ता सचिव निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। सरकार को निवेश के मोर्चे पर अहम सुझाव और राय देने वाले नीरज गुप्ता। आगामी साल में बड़े खर्चों का लेखा जोखा तैयार करना इनकी ही जिम्मेदारी है। अजय नारायण झा सचिव व्यय विभाग। व्यय विभाग के सचिव अजय नारायण झा 1982 बैच के मणिपुर कैडर के IAS अधिकारी हैं। वे वित्त आयोग के सचिव भी रह चुके हैं। बजट में सरकार के व्यय का लेखा जोखा इनकी जिम्मेदारी है। तो ये थे अरुण जेटली के वो चाणक्य जिन्होंने बजट तैयार किया है। जैसा कि इनके बाद इन जो 5-6 लोग हैं जो अरुण जेटली के नेतृत्व में इन्होंने इन्हीं महानुभावों ने देश का बजट तैयार किया है और इस बजट के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। बनाने के पीछे इन्हीं लोगों ने बजट को कई महीनों से इसमें मेहनत की है और मेहनत इस तरीके की है कि जनता के बीच जो संदेश गया है बजट को लेकर के, किसानों को लेकर के कुछ ना कुछ हल्की फुल्की राहत है।
लेकिन बजट इस तरीके का आता है हर समय, अगर किसी भी सरकार में अगर आप देखेंगे तो बजट इतना संतोषदायक नहीं होता है जो आम जनता खुश हो सके। खैर, बजट पेश तो हो गया है लेकिन बजट में वो चीज़ें नहीं थी जो जनता खुश हो सके। अब जनता का रिएक्शन बहुत फास्ट तरीके से आएगा कि लोग जो है, कई लोग हैं जो खुश होंगे, जो कई लोग होंगे जो नाखुश होंगे, लेकिन बजट का जो जो चीज़ें हैं, जो बजट बजट में जो चीज़ें लानी चाहिए थी आम जनता के लिए, वो दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी सस्ती नहीं हुई हैं। लोग सिर्फ एक मन लुभावना बजट पेश होता है और उसके जरिए जनता का दिल लूटने के लिए, और चुनाव जब नज़दीक होते हैं तो इन चीज़ों की हवा हवाइयाँ होती हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले नीचे स्क्रीन पर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, इसके जरिए आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं और हमसे आप जुड़ भी सकते हैं। नमस्कार।